आइए आज हम इस सत्संग में सर्वप्रथम अपने प्रभु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मूलकेश भगवान, जिन्होंने योग जैसा एक अनमोल साधन हमें देकर हमारा जीवन और जन्म सफल बनाया। ऐसे गुरुओं के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी के चरणों से हम सभी भक्त आशीर्वाद लेते हैं। हे गुरुदेव, हे योगेश्वर महापुर रामलाल जी, हे योगेश्वर मूलकेश्वर भगवान, हे योगेश्वर देवीदास भगवान, आप जी ने कृपा करके हम बच्चों को जो योग का ज्ञान दिया, हम आप जी के चरणों का हर पल हर घड़ी शुक्राना करते हैं। मन वचन कर्म से हम सभी भक्त आप जी के चरणों में आत्म समर्पित हैं। हे प्रभु, आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि आज जो हम ये सत्संग आप जी के गुणानुवाद को गाते हुए कर रहे हैं, आप जी के अलौकिक करिश्माओं का वर्णन करते हुए हम कर रहे हैं इस सत्संग में, प्रभु जी आप हम बच्चों पर दया करना, कृपा करना, और हम बच्चों के घट में बैठकर हमें ज्ञान देना, ऐसी कृपा करना कि आपके दिए हुए ज्ञान को हम हर पल हर घड़ी अपने जीवन में उतार कर हम आप जी की कृपा पात्र बने, आप जी की प्रसन्नता का पात्र बने और अपने जीवन और जन्म को धन धन बनाते चले। हो सकुदेव भगवान की। पिछले कई दिनों से महाराज जी की द्वारा अपने जीवन में दिए गए अनमोल व्यवहारिक ज्ञान का हम चर्चा कर रहे थे। कल जो महाराज जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से बुलवा रहे थे कि मैं की भूत को निकालो, आज के भी प्रवचन की जो सबसे पहला व्यवहारिक ज्ञान है इसी का कंटिन्यूशन है। आज के व्यवहारिक ज्ञान में महाराज श्री ने सबसे पहले ये कहा, ये फरमाया, अहंकार निकल जाने से मनुष्य खुदा से जुड़ जाता है। कल के व्यवहारिक ज्ञान में महाराज जी ने यह फरमाया था कि अहंकार के भूत को, मैं की भूत को निकालो। आज सबसे पहला महाराज जी का कथन ये है कि अहंकार के निकल जाने से मनुष्य खुदा से जुड़ जाता है, क्योंकि अहंकार के कारण मनुष्य के अंदर अज्ञानता आ जाती है, उसके आत्मा के ऊपर एक अविद्या का आवरण पड़ जाता है और उस अहंकार के वश में मनुष्य ये समझने लगता है कि जो कुछ करता है वह स्वयं करता है, उसकी शक्ति करती है, उसका सामर्थ्य करवाता है और उसके अंदर जो शक्ति है जो परमात्मा ने दी है उस शक्ति के द्वारा वो सब कुछ स्वयं ही करता है। इस अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है, स्वयं को भोक्ता समझता है और स्वयं को कारण भी समझता है। कर्ता, कारण, भोक्ता, ये तीनों मनुष्य इस अहंकार के कारण समझता है, इसीलिए वो संसारिक नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर फल की इच्छा के साथ वो कर्म करता है और उस कर्म करके वो कर्म बंधन में फंस जाता है। परंतु इस बात का ज्ञान, इस बात की अनुभूति, अनुभव मनुष्य को नहीं होती, जो अहंकार में लदा रहता है और
इस अहंकार के कारण वो जब कर्म कर्ता भाव से करता है तो उस कर्म के बंधन में वो फंस जाता है, और उस कर्म के बंधन में फंसने के बाद उस कर्म का जो फल है, क्योंकि हम और आपको सभी को पता है जो हम जो भी कर्म करते हैं प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई फल होता है। तो जब जिस मनुष्य ने अहंकार के वश अपने आप को कर्ता मानते हुए कर्म करता है तो वो उस कर्म के फल के बंधन में बंध जाता है, और उस कर्म फल को भुगतने के लिए वो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंस जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम जीवन में शुभ कर्म करते हैं तो ये तन छोड़ने के बाद हमें स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का सुख हम प्राप्त करते हैं, और जब अशुभ कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो हमें उन कर्मों के फल स्वरूप नरक भुगतना पड़ता है। स्वर्ग भुगत लिया आत्मा ने, नरक भुगत लिया, उसके बाद जो बाकी शेष कर्म रह जाता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। इस प्रारब्ध का भुगतान करने के लिए भगवान मनुष्य भगवान आत्मा को द्वारा मनुष्य योनि में भेज देता है। इस योनि में आकर अगर हम सतगुरु के चरण चरण ना होकर, योग साधना ना होकर, अपने अहंकार के वश अपने आप को कर्ता कारण भोक्ता मानते हुए कर्म करते हैं, द्वारा फिर कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर शरीर छूट जाता है, फिर मरण हो जाता है, फिर आत्मा फिर अपना लेखा जोखा करती है, भगवान आत्मा को कर्मों के अनुसार फल देते हैं, फिर बाकी शेष कर्मों को भुगतने के लिए दोबारा फिर मनुष्य योनि भेज देता है। पहली बात है, इसीलिए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। इसको कहते हैं 84 का चक्र। महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद जरूरी बात नहीं है कि मानव को दोबारा मनुष्य योनि ही मिलेगी, क्योंकि महाराज जी का फरमान है कि यदि मनुष्य कोई भी आत्मा इस मनुष्य चोले में पशु वाला कार्य करता है, मनुष्य वाला कार्य नहीं करता, ना देवता वाला कार्य करता है, पशु वाला कार्य करता है। पशु वाला का मतलब हिंसा, क्रोध, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना, नीच कर्म करता है, तामसिक कर्म करता है। तो ऐसा मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद महाराज जी फरमाते हैं वो निम्न योनि मिलती है उसको, 84 लाख योनि है। तो निम्न योनि में वो आत्मा अपना कल्याण नहीं कर पाता, निम्न योनि में वो आत्मा केवल अपने दिन पूरा करता है, अपने श्वास जितने श्वास लेकर उस योनि में आता है उतने वो श्वास पूरा करता है, श्वास पूरा होने के बाद वो योनि खत्म हो जाती है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आता है, प्रभु लखराज जी हमारे दादा गुरुदेव, वो हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि दादा गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने प्रति हारमोनियम बजाकर थिएटर में भजन गाते थे, और भजन में प्रभु ही बहुत मुग्ध हो जाते थे। आप और हमको सभी को पता है योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान वो अपने गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी के प्रति इतना प्रेम था, अद्भुत प्रेम था। ये ऐसा गुरु शिष्य का जोड़ी पूरे विश्व में एक निराली जोड़ी है, बहुत बिरला शिष्य ऐसे होते हैं हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जैसे, जिनके हृदय में अपने गुरुदेव योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के प्रति इतना स्नेह था, एक पल एक घड़ी के लिए भी वो अपने गुरुदेव से
आत्म रूप से जुदा नहीं हुआ करते थे। उनके ध्यान में छह छह घंटे तक मुल्केश्वर भगवान तुरिया आती तुरिया अवस्था में, यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम की अवस्था में रहा करते थे, और उनकी कृपा से हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जो गुरुदेव फरमाते हैं कि 14 वर्ष तुरिया अति तुरिया अवस्था, यानी कि वो ऐसी योग की ऐसी उच्चतम अवस्था है जिस अवस्था में योगी सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी उसकी वृत्तियां अपने सद्गुरु भगवान के रूप में अभेद रहती है, अपने सद्गुरु भगवान के दिव्य स्वरूप में उनकी आत्मा तद्रूप रहती है। वन कि मुझ में तू तुझ में मैं, जैसे दो बर्तन का पानी मिलाकर एक हो जाता है, इसी प्रकार शिष्य गुरु के स्वरूप में जो अभेद हो जाते हैं उनके स्वरूप में तद्रूप हो जाते हैं, उसको तुरी अति तुरी अवस्था कहते हैं। मुल्केश्वर भगवान ऐसी अवस्था में 14 वर्ष रहेंगे। मुल्केश्वर भगवान का जो ये जो प्रेम था, तो उस प्रेम के वश में वो हारमोनियम बजाते हुए अपने गुरुदेव के ध्यान में विभोर हो जाया करते थे। उस समय क्या होता था, एक कुत्ता प्रभु जी के चरणों में आता था, जैसे भजन आरंभ हुआ वो कुत्ता आया, और जब तक भजन चलता था वो वहीं प्रभु जी के चरण में बैठा रहता था, भजन खत्म होते ही फिर वापिस चला जाता था। हमारे गुरुदेव देवीदास महाराज जी ने कई दिन इस अलौकिक नजारे को देखा, ये कुत्ते योनि की आत्मा, एक आत्मा जो कुत्ते के योनि में है, वो प्रभु जी का भजन आरंभ होते ही जन्म में आ जाती है और भजन खत्म होते चली जाती है। एक दिन बड़े साहस करके गुरुदेव ने योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी के चरणों में विनती करी, प्रभु आप जी के चरणों में एक विनती रखी है, कहो बेटा कि ऐसे ऐसे एक शान आप जी के भजन आरंभ होते ही आप जी के दरबार में आता है और आप जी के भजन खत्म होते वो चला जाता है, प्रभु इसका क्या रहस्य है, क्या कोई आपके पिछले जन्म का कोई छुड़ी आत्मा है वो? तो प्रभु जी ने फरमाया कि कोई नहीं, मैं कल आप हमें बताना जब वो श्वान दरबार में आता है। तो अगले दिन जब भजन खत्म हुआ तो देवीदास महाराज जी ने प्रभु जी के चरण विनती करी, प्रभु वो श्वान आ गया है, यही श्वान है। तो प्रभु जी गए दरवाजे तक और प्रभु जी के उस श्वान के पास जाते ही वो श्वान प्रेम विभोर होकर प्रभु जी के चरणों को चाटने लगा और प्रभु जी ने उसे प्यार किया, उसका आशीर्वाद दिया, और थोड़ी देर बाद देखते देखते उसका शरीर प्रभु जी के चरणों में ढेर हो गया। बड़ा अजीब नजारा था ये। देवीदास महाराज जी ने पूछा, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, कृपा करके बताएं। तब प्रभु जी ने फरमाया कि बेटा ये मेरा कुछ पीछे जन्म का शिष्य रहा, किसी भी कारण से इससे कुछ गलती हो गई, तो शिष्य जब गुरु के चरणों में गलती करता है गुरुदेव कुछ नहीं कहते, परंतु जो ब्रह्म शक्ति जो गुरु के साथ होती है उस शक्ति को गुरु के प्रति कोई शिष्य अभिज्ञा करे उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं होती। कहते परम पिता परमेश्वर ने इससे कोई जाने अनजाने गलती हो गई होगी तो परमात्मा ने इसे कुत्ते की योनि दे दी, पर आज ये प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके इस योनि से मुक्त हो गया, पर आज इसकी रूह सीधे दिव्य धाम को चली गई। महाराज जी ऐसी अलौकिक करिश्मा देकर बड़े गदगद हो गए। तो कहने का भाव है कि ये अहंकार एक ऐसी चीज है, अहंकार के वश इंसान बड़ी से बड़ी गलती कर देता है। आप रावण को देखिए,
इतने विद्वान थे और भगवान शंकर को अंत तक साधना के द्वारा भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और भगवान शंकर से अमर तत्व का वरदान पा लिया। हाँ ब्राह्मण थे वो, परंतु इनकार वश उनके आत्मा के ऊपर अविद्या का ऐसा आवरण पड़ा कि भगवान को एक नर रूप में नहीं पहचान पाए। मातृ शक्ति जो दुर्गा भवानी की शक्ति, माँ सीता, उनको नहीं पहचान पाए एक अहंकार के वश। छल के साथ ये बहुत नीच कर्म हुआ कि परहित को इस प्रकार जुड़ा के अबला नारी को छल से बेचाना, अपहरण करना बहुत नीच कर्म, अधर्म। तो इस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान राम अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा रावण का संहार किया। हनुमान जी तो एक निमित्र मात्र थे, क्योंकि जब माता को वो दंडक वन में रावण माता का संहार करने के लिए तलवार उठाई, अब हनुमान जी सोचे कि माता की रक्षा तो कैसे करूं, मैं तो खाली अंगूठी देने के लिए आया था माँ को और ये तो संहार करने जा रहे हैं। उसी समय भगवान मंदरोदरी के रूप में आ गए और रावण को रोका। तिजेटा ने जब कहा था कि एक बानर, मुझे ऐसा सपना आया एक बानर पूरे लंका को जला दिया, हनुमान जी सुन रहे थे, उन्होंने सोचा मेरे द्वारा लंका जल जाना, ना तेल ना कपड़ा ना माचिस, कैसे जला, कैसे संभव होगा। परंतु देखो जब उसने हनुमान जी ने उनके बगीचे का उत्पात मचाया और पेड़ फूल उखाड़ दिए, सबने पकड़ के रावण जी के पास ले गए हनुमान जी को। उन्होंने कहा कि बंदर को पूंछ से सबसे प्रेम है, सबसे ज्यादा, इसकी पूंछ को बांधो और तेल लगा दो, तेल डाल के आग लगा दो। तो ये व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने लंका को जलाने के लिए पहले से ही कर रखी थी। अगर हनुमान के अंदर अज्ञानता होती तो हनुमान जी सोचते कि माता को मौत के मुंह से मैंने ही बचाया, लंका का जलन दहन मैंने ही करा, पर तो नहीं, उनको ज्ञान था, वो अहम रहित भगवान राम के एक आत्म समर्पित भगत थे। जो भगवान के आत्म समर्पित भगत होते हैं उनके अंदर अहंकार का लेश मात्र नहीं होता। अगर अहंकार का लेश मात्र है तो समझना अभी ये कच्चेपन में है, ये पूर्ण भगत नहीं है, इसके अंदर अभी अधूरापन है। तो लंका का हो गया, दहन हो गया, उसके बाद फिर हनुमान जी सोचे कि रावण तक ये संदेशा कैसे पहुंचाए करना है। तो उन्होंने ये देखा हनुमान जी ने कि जो वो सेवा भगवान का नाम लेके जो वो सेवा कार्य करते थे भगवान के प्रति समर्पित होते हुए, परमपिता परमेश्वर उसकी व्यवस्था पहले ही कर दिया करते थे। यानी कि कर्ता कौन हुए, कर्ता परमात्मा स्वयं। तभी कवि ने वो दोहा लिखा, तीन लोग नवखंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके श्री सतगुरु करे सब। तो सतगुरु हमारे जीवन के सभी कार्य सतगुरु स्वयं करते हैं, क्योंकि सतगुरु वो होते हैं जिनकी अंतर आत्मा 24 घंटे परमात्मा के साथ एक होकर जुड़ी हुई है, जिनका जो जिन्हों जिनका स्वरूप, जिनका आत्म स्वरूप परमात्मा के दिव्य स्वरूप के साथ अभेद हो गया। ऐसे महान पुरुष को सतगुरु कहते हैं, ऐसे महान पुरुष के अंतर ज्ञान जागृत रहती है और वो अपने अनुभवी ज्ञान अपने शिष्य को कराते हैं। वो अंतर दृष्टा होते हैं, वो दिव्य दृष्टि के मालिक होते हैं।
और शिष्य के सभी प्रारब्ध को जान जाते हैं और शिष्य को कर्म बंधन से मुक्त कराने के लिए शिष्य को तरह तरह की सेवा देते हैं, तरह तरह की साधना सिखाते हैं, ध्यान भजन सिखाते हैं और शिष्य के कर्मों को काटते चले जाते हैं क्योंकि गुरु दिष्टा होते हैं। महाराज ने फरमाया कि गुरु हवा की तरह शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शिष्य के अंतर्गत की एक एक बात जान जाते हैं। गुरु एक दिव्य शक्ति के मालिक होते हैं, वो अजर होते हैं, अमर होते हैं। गुरु अवतार लेते हैं, पंच तत्वों से बने हुए शरीर में गुरु आत्म प्रवेश कर जाते हैं और समय आने पर इस पंच तत्वों के शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं और स्वयं सर्वव्यापी हो जाते हैं। ये हमारे योग योगेश्वर देवीधर भगवान ने 1998 में रामनवमी में प्रवचन में, रामनवमी वाले दिन जिस दिन योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी अवतार लेते हैं और जिस जन्म दिवस को हम 3 दिन बड़े धूमधाम से प्रभु जी के पूरे देश विदेश में जितने भगत है सभी भगत हरिद्वार नगरी में एकत्रित होते हैं और हम इस जन्मदिन को मनाते हैं। 98 के जन्म दिवस वाले दिन महाराज जी ने फरमाए अब हम इसके बाद सर्वव्यापी हो जाएंगे और महाराज जी हो गए। आज महाराज जी आपके हमारे इधर उधर हर स्थान पर जहां भगत प्रेम से उनके चरणों का वंदन करते हैं, जहां भगत प्रेम भाव से एकत्रित होकर उनके नाम का सत्संग करते हैं, उनके गुणानुवाद गाते हैं, उनके योग का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके महिमा का गायन करते हैं, उनकी अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में अनुभूत करते हैं और अपने जीवन के हर घटना के पीछे उनकी शक्ति को महसूस करते हैं, जहां ऐसे भगत इकट्ठे होकर सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग में मेरे मालिक मेरे सतगुरु भगवान सदा विराजमान होते हैं और सत्संग में बैठे सभी भक्तों को अपार कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाते हैं। सत्संग में जो भी भगत बोलता है ये मत समझना कि वो भगत बोल रहा है, हम उस भगत को शुक्राना करते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। सच्चाई ये है कि गुरु ने उनके अंदर से बुलवाया, हमें शुक्राना गुरुदेव का करना चाहिए। गुरुदेव ने आपके अंदर से बहुत सुंदर भजन बुलवाए, गुरुदेव ने आपके अंदर से बहुत सुंदर अलौकिक घटना कहलवाई, गुरुदेव ने आपके अंदर से बहुत सुंदर भाव प्रकट कराए, गुरुदेव ने आपके द्वारा इतनी सुंदर कविता लिखवाई, इतने सुंदर भजन लिखवाए। ये भाव है अनन्य भक्ति भाव, समर्पण भाव। ऐसे भाव इसके अंदर होता है जिस शिष्य के अंदर अहंकार चला जाता है। गुरुदेव ने मुझे फरमाया कि बेटा मुझे इस संसारिक वस्तुओं से कोई स्नेह नहीं है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, संसारिक वस्तुओं से मुझे कोई लगाव नहीं है। अगर तुम दे सको तो अपना समय दो और अपना सेवा दो गुरु चरणों में। एक फूल तोड़ लाओ, भाव से वो फूल गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दो, गुरुदेव को स्वीकार है परंतु भाव से। और गुरुदेव को क्या प्रिय है कि सेवा। गुरुदेव ने अपने जीवन में एक ही नारा लगाया, सेवा परम धर्म, सेवा मनुष्य का परम धर्म। सेवा एक ऐसा उत्तम, सेवा का मतलब परमार्थी, परमार्थ में कर्म करना, परम अर्थ दूसरों के अर्थ जमा अर्थ, परम दूसरों के लिए दूसरों के अर्थ। जो हम कर्म करते हैं उसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसको सेवा कहते हैं। दूसरों के हित के लिए, दूसरों के प्रति एक शुद्ध एक पवित्र भावना रखते हुए जो हम परहित में कर्म करते हैं उसे सेवा कहते हैं। और महाराज जी ने यही फरमाया बेटा अपने पास समय है तो सेवा में समय दो। सेवा का क्या फल है
जो हमने महाराज के चरणों में अनुभूत करा है, इस सेवा से हमारा अहंकार का भूत चला जाता है। सेवा से मन का अहम मिट जाता है। सेवा से हमारे मन का मन नम्र होता है, क्योंकि आप जब किसी दुखी की सेवा करते हो, आपका दिल उसके प्रति दया में भर जाता है। जहां दया आती है वहां अहंकार चला जाता है। दया और अहंकार, स्वार्थ और निस्वार्थ एक साथ नहीं रह सकती। उसी प्रकार एक कवि कहता है, प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दोना समय, जा मैं था वह तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। यानी कि जहां मैं था तो भगवान तू नहीं था, अब तू है तो मैं नहीं। तो तभी महाराज जी ने देखो एक लाइन में व्यवहारिक ज्ञान के इस लाइन में महाराज ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। यानी कि महाराज जी ने घाघर में सागर भर दिया। एक ही लाइन बोली, अहंकार निकल जाने से मनुष्य खुदा से जुड़ जाता है। जब अहंकार चला गया तो कौन आ गया तुम्हारे अंदर? भगवान आ गए। तभी एक कवि ने कहा, जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे? जब दिल में ख्याल सनम आ गया, तब गैर की पूजा कौन करे? कि भगवान तू तो मेरे अंदर आ गया है, मैं तुझे ढूंढने कहां जाऊं? तू मेरे अंदर बैठकर सब कुछ तू ही तो करा रहा है। मेरे मन के मंदिर में तू बैठा हुआ है, तो मैं काबा, मस्जिद, मदीना, काशी, तीरथ कहां जाऊं? तेरे को कहां ढूंढूं? तू मेरे अंदर तो है। जब मेरे ख्यालों में ये प्रभु तू ही तू है, तो मैं दूसरों की पूजा क्यों करूं, क्यों जाऊं? ये बहुत अनन्य भक्ति भाव वाला ये भजन है। ये इस प्रकार की भावनात्मक अनुभूतियां कब होती है? जब आप अपने अहंकार को निकाल देते हो। अब आगे सुनो, ये अहंकार कैसे निकलता है? अहंकार निकालने के लिए महाराज जी ने बहुत सुंदर रास्ता दिया कि दूसरों के नाक में घी डालो, दूसरों को नीति कराओ। घी डालने से उसकी दिमाग की शक्ति स्ट्रांग होती है, उसकी दिमाग में, उसकी नासा द्वार में, नासिका, नासा के रास्ते में, श्वास मार्ग में, साइनस में जो भी गंदगी होती है, जो बलगम होता है, रेशा होता है, सब निकल जाती बाहर। नाक में घी डाल के नाड़ियां मल छोड़ देती है नाक में घी डालने से। तो महाराज जी फरमाते हैं कि कोई भी रोगी आए, उसके नासाद्वार में गाय का मेडिकेट किया और घी डालो। उसके बाद क्या फरमाते हैं? इसको नीति कराओ कि नाड़ियों ने घी डालने पे, नाड़ियों ने जो मल त्यागा, नीति के द्वारा उस मल को बाहर निकाल दो। फिर महाराज जी फरमाते हैं इनको जल क्रिया कराओ, यानी कि मल जो थोड़ा बहुत नाड़ी में रह गया, तो जैसे पानी की वॉशिंग से हम एक नाली को साफ कर देते हैं, उस प्रकार पानी के द्वारा उस मल को बाहर निकाल दो। फिर नाक से पानी पिलाओ जिससे लीवर स्ट्रांग हो जाए। लीवर स्ट्रांग होते इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तरह तरह के रोगों से बच जाता है। नाक से दूध पिलाओ, दूध पिलाने से हमारा दिल और दिमाग मजबूत हो जाता है, मस्तक बड़ा ताकत वाला हो जाता है, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर महाराज जी फरमाते हैं यदा कदा महीने में दो बार या एक बार या तीन बार पानी पी के उछाल दो पेट की लंबे। तो ये सेवा जब हम किसी रोगी की करते हैं, वो इन सेवा से एकदम निरोगी हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसकी अस्थियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शरीर के दर्दों को दूर करने के लिए महाराज जी कहते हैं आसन कराओ। फिर उनके मन के विकारों को दूर करने के लिए, उनको ध्यान योग की शिक्षा देने के लिए, उससे पहले महाराज जी फरमाते हैं कि इनके मन की एकाग्रता के लिए, इनके मन को सबल बनाने के लिए इनको प्राणायाम सिखाओ।
ये सब आज्ञा महाराज जी शिष्य को देते रहे और महाराज जी की आज्ञा प्राप्त करके जब शिष्यों ने ये सेवा कार्य अपने जीवन में अपनाए वो शिष्य धन धन हो गए, क्योंकि इन सेवा कार्यों से अहंकार चला जाता है। इंसान जब परमार्थ में काम करता है, परहित के लिए कार्य करता है, तो उसका स्वार्थ नहीं रहता। मैंने देखा महाराज श्री को कि रामनवमी के दिनों में जब हजारों सैकड़ों भगत रामनवमी में वहां आते थे हरिद्वार, तो तीन दिन महाराज जी को भोजन का, नींद का, कुछ दूध अगर दूध फलाहार कोई मेवा वगैरह लेने का समय ही नहीं मिलता था। हर पल हर घड़ी महाराज का ध्यान केवल भक्तों में या फिर फंक्शन के जो उत्सव के व्यवस्था में। माजी मतलब तीन दिन तीन रात में ना महाराज को कुछ प्रॉपरली भोजन लेते देखा और ना प्रॉपरली नींद लेती थी। इतनी ज्यादा महाराज जी के अंदर प्रभु जी के जन्मदिन की ये उत्साहित मारी रहते थे, इतनी खुश आनंद में रहते थे और इतना भक्तों को महाराज जी आनंद और खुशी और आशीर्वाद बताते। ऐसे मैंने महाराज जी के इतने महान जीवन को स्वयं बहुत नजदीक से देखा। तो ऐसे गुरु हुए तो देखो गुरु सेवा से बढ़ के इस मनुष्य जन्म के कल्याण के लिए और कोई धर्म नहीं, क्योंकि जब तक सेवा नहीं करोगे आपके अंदर अहंकार बना रहेगा और अहंकार आपको भगवान से दूर करता है। जहां अहंकार निकल गया आप भगवान के साथ एक हो गए। भगवान जीव और ब्रह्म के बीच में अहंकार जैसा एक ऐसा पर्दा है जिस पर्दा के कारण जीव ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म के प्रकाश से, ब्रह्म के आनंद से बहुत दूर रहता है, वंचित रहता है। तो एक तो महाराज जी ने हमें भगवान की प्राप्ति के लिए सेवा जैसे इतना सुंदर कर्म हमें समझाया, सिखाया और बताया और करवाया। इसके अतिरिक्त भाई बताते हैं कि बेटा सिर्फ सेवा से ही नहीं बात बनती, अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को होने के लिए आपको गुरु का आशीर्वाद लेकर ध्यान योग का अभ्यास करना होगा। ध्यान योग शिक्षा देते हुए हमारे गुरुदेव ने सबको सिखाया, समझाया कि किस प्रकार मन को प्राणों में ले जाकर प्राणों में गुरु मंत्र को का जाप करते हुए चित्त की वृत्तियों को प्राणों में लय करना होता है। गुरुदेव ने समझाया, सभी शिष्य को बताया और गुरुदेव का यही आज्ञा रही कि नित प्रति सुबह शाम कम से कम तीन तीन घंटे ध्यान में बैठो, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध करके चित्त की वृत्तियों को प्राणों में लय करते हुए अंतर के जगत में प्रवेश करो, अंदर की जगत की यात्रा करो। महाराज जी फरमाया योग क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को निरोध करने को ही योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है कि चित्त की वृत्तियों को भोग भाव से हटा दो, आपकी वृत्तियां निरोध हो जाएगी। आसक्ति से हटा दो, चाहना से हटा दो, कामना से हटा दो, वासना से हटा दो, चित्त की वृत्तियों को इस नाशवान चीजों से हटा दो और इन वृत्तियों को अंतर आत्मा में, अंतर जगत में ले जाओ। अंतर जगत में कौन बैठा है, अंतर जगत में परमात्मा स्वयं आत्म रूप से विराजमान है, एक चिन्मय स्वरूप में विराजमान है, वो आपका असली स्वरूप। आप जब उस स्वरूप के दर्शन कर लोगे, उस स्वरूप के साथ आपका रूबरू हो जाएगा, आपका साक्षात्कार हो जाएगा, तब आपको आपका अहम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और तब आपके आत्मा में जो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार पड़े हुए, जिन संस्कारों का फल हम भुगतते रहते हैं, वो सारे संस्कार ऐसे धुल जाते हैं जैसे कागज के ढेर में हम तिल्ली लगा देते हैं और मिनट सेकेंड में कागज का ढेर जलकर राख हो जाता है। तभी कहा है योग क्या है, योग अग्नि रहती, योग अग्नि रहती क्षिप्र शेष पाप पिंजरम, पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग कर देती। इतनी महान एक महान कल्याणकारी योग विज्ञान, योग विद्या का ज्ञान हमारे गुरुदेव ने हम लोग को दिया। तो महाराज जी ने यही फरमाया
कि सेवा और अभ्यास, ये दो चीज अपने जीवन में अपना लो, और ताकि अभ्यास और सेवा आप अधिक से अधिक अपने जीवन में उतार सको। तो इसके लिए सतगुरु भगवान जी के नाम का सत्संग, सत्संग भगवान की प्रेमियों का संग भी सत्संग कहते हैं, अति अपनी आत्मा के साथ संग भी सत्संग कहते हैं, गुरुदेव के साथ संग भी सत्संग कहते हैं, गुरुदेव की वाणियों का साथ जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। जहां गुरुदेव की वाणियों का वाणियों की चर्चा की जाती है, गुरुदेव की अलौकिक करिश्माओं के चर्चा की जाती है, गुरुदेव के अद्भुत दिव्य गुणों का, दैवी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पुण्य कर्म करते हैं, इतनी सेवा कर लेते हो, इतना ध्यान भजन कर लेते हो, परंतु आपके मन में विकार, आपके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आदि विकार जो मन के योद्धाएं हैं, जिन योद्धाओं को लेकर मन जीव को नरक के द्वार तक ले जाता है, यदि आपके मन में ऐसे विकार हैं, तो महाराज जी फरमाते हैं आप फिर भगवान को इतने आसानी से नहीं पा सकते। भगवान को पाने का मतलब अपने सत्स्वरूप का दर्शन करने से आप वंचित हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मन को विकार रहित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए महाराज जी ने फरमाया यम नियम का पालन करें। यम में सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में सोच, इन यम नियम के जो सोपान है, यम नियम के जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स को हम अपने जीवन में उतारे, उसके लिए बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मन को बार बार बाहर की दुनिया की आसक्ति से रोकना पड़ेगा, मन की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महाराज जी फरमाते हैं कि पुरुषार्थ ही जीवन है, बिना पुरुषार्थ कोई जीवन नहीं, और जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, जो पुरुषार्थी जीव होता है, गुरुदेव फरमाते हैं कि भगवान उसके साथ होते हैं, उसके अंग संग होते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जीव स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य बनाता है। तो मुल्कराज जी ने फरमाया कि मैंने अनमोल खजाने यूं बिखेर दिए जैसे बेर के पेड़ के नीचे बेर बिखरे रहते हैं, पर कोई भागा वाला आता ही नहीं है उन अनमोल हीरे लालों को लेने के लिए। किस्मत के बिना कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। और महाराज जी फरमाते हैं किस्मत जीव स्वयं अपने कर्मों से बनाता है, अपने पुरुषार्थ से अपनी किस्मत बनाता है। भाई फरमाते हैं कि जो चलता है किस्मत उसके साथ चलती है, जो जल्दी जागता है किस्मत उसकी जल्दी जागती है, जो सोया रहता है किस्मत उसकी सोई रहती है। तो किस्मत को सुलाना या चलाना या जगाना जीव के अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये हम अपने किस्मत को कैसे जगा सकते हैं, कब जगाएंगे, जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, हाथ धोकर प्रभु जी के चरण में प्रणाम करके, उनके आगे जोत बाती करके, उनके ध्यान में बैठे, उनके बताए आसन करें, उनके बताए प्राणायाम करें, उनकी बताए क्रियाएं करें, उसके बाद हम अपने दिनचर्या कार्य करें। पर आप जो घर के जो मुखिया है, आपको अवश्य ये ध्यान योग और ये हठ योग इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने अपने व्यवहारिक ज्ञान में फरमाया जैसे बड़ा करता है छोटा ऐसे ही करता है। आप घर के बड़े बुजुर्ग हेड जो करोगे वही आपके बेटे, आपके बहू, आपके पोते, आपके पोती उसी के अनुसरण करेंगे। और आप देखो अगर आपने अपने बच्चे को ब्राह्मण बना लिया, ज्ञानी बना लिया, योगी बना लिया, तो आप जैसी महान आत्मा कौन बन सकती है। महाराज जी फरमाते थे जननी जरे जने तो सूर जने, नहीं तो जननी जने तो जने सूर,
नहीं तो तू गवावे नूर, नहीं तो जननी नहीं तो रह जाए बांझ, तू गवावे नूर। ऐसा एक दो लाइन है कि महाराज जी फरमाते कि जननी अगर किसी को जन्म देती है नूर वीर को जन्म दे, नहीं तो जननी बांझ ही रहे, अपनी नूर भी क्यों गवाती है, अपने सौंदर्य को खराब करती है। तो इसीलिए आप नूर वीर को जन्म तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं अभ्यास करते हो। राजा दशरथ के कोख में राम जन्म लिए, राजा दशरथ आपको पता ही है इतने संयमी महापुरुष थे, इतने ध्यानी थे, इतने ज्ञानी थे, इतने उदार थे, इतने दया से भरपूर थे। उनकी रानी कौशला जी वो कितनी धर्मपरायण देवी थी। तो जब माता पिता दोनों धार्मिक होते हैं तो उनके संतान भी धार्मिक होते हैं। तो और गुरुदेव के शरण में जो बाल्यकाल से ही बच्चा चला जाता है उनके शरण में रहता है और उनके दिए हुए ज्ञान है, योग का ज्ञान है, बाल्यकाल से जो बच्चे अपनाते हैं बड़े होकर बहुत महान योगी बन जाते हैं और आपके वो कुल के शान बन जाते हैं। तो ज्यादा ना समझ भक्तों का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए अंत में यही प्रार्थना करेंगे कि आप स्वयं योग करें, अपने बच्चों को योग कराएं, स्वयं योगी करें, योगी बने, बच्चों को योगी बनाएं, इसके लिए प्रयासरत रहे। और महाराज जी फरमाते एक बहुत महान ज्ञान योग करना करवाना ईश्वर से मिलने का अति उत्तम सर्वोत्तम सरलतम साधन है। इसी वाणी के साथ आज महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए विराम लूंगी। हो सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्कीश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादार सत्सव स्वामी देवदयाल महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और महाराज जी का सदा सदा ही जय हो। हे प्रभु जय हो, हे प्रभु तेरी सदा सदा ही जय।